आप सभी साथियों को राम राम नमस्कार। और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि भाई आपका भी सपना जो है कि आपके हाथों में भी एक दिन आप अच्छे से नौकरी करें और एक सैलरी स्लिप हर महीने आपके हाथों में आए। बस मैं गॉड से यही दुआ करूंगा। साथियों, आज हम डिस्कशन करेंगे SSF के बारे में कि क्या क्या सुविधाएं मिलती है और कहाँ जॉब रहती है आपकी, और इस समय 2024 में कितनी सैलरी मिल रही है SSF में। हम सभी बातों पे आज डिस्कशन करेंगे। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस परिवार को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। साथियों, एक सब्सक्राइब और एक लाइक से कुछ नहीं होता, बस आपकी सोच अच्छी आनी होनी चाहिए। गॉड की दुआ से आप हमेशा खुश रहे, बस आपके बारे में यही मैं दुआ करता हूँ। साथियों, अगर हम बात करें कि कितने घंटे की ड्यूटी, ड्यूटी के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, अगर हम देखते हैं कि ड्यूटी जो है आपकी, या तो भाई मंडे से, अगर हम देखते हैं मंडे से फ्राइडे तक, किसी किसी ऑफिस में मंडे से फ्राइडे तक आपकी ड्यूटी रहती है 8 घंटे की कंटिन्यू। और या फिर क्या होता है दोस्तों, अगर कहीं ऐसा होता है कि भाई किसी ऑफिस में कि 12 घंटे की ड्यूटी है और 36 घंटे का आपको ब्रेक मिलता है, 36 घंटे का ब्रेक मिलता है जितने भी ऑफिस होते हैं। और आप सभी को पता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है, हेड ऑफिस, चाहे SSC का हो, CGL का हो, CBI का हो, या DDA हो, या कोई भी हो, इस टाइप के जितने भी ऑफिस है वहां पे SSF की जो है ज्वाइनिंग होती है। और उस पे काम क्या होता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो भी अंदर एंट्री करते हैं उनके आई कार्ड को चेक करने का काम होता है, और इसके अलावा कोई काम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में कि उनके आई कार्ड को चेक करना है, और उसके अलावा कोई भी काम नहीं है। दोस्तों, सैलरी की भी चर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि गॉड की दुआ से आप सब बहुत जल्दी से कामयाब हो और आपको भी एक सैलरी स्लिप हमेशा ऐसे मिले और अपने परिवार को हमेशा आप खुश रखें। सभी से बार बार कहता हूँ साथियों, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को हमेशा अच्छे से खुश रखना अगर आप अच्छे सिलेक्शन लेते हैं तो। दोस्तों, जॉब कहाँ पर, जॉब जो है दोस्तों मोस्टली दिल्ली में ही रहती है, दिल्ली में ही आपकी जॉब रहती है मोस्टली, आप सभी जानते होंगे। तो हम चर्चा करेंगे कि सैलरी क्या है 2024 की। मैं करंट की सैलरी आपको दिखाऊंगा। आप सभी को मैंने पहले ही बताया कि मेरी सिस्टर SSF में पोस्टिंग ज्वाइनिंग है, 2023 में सिलेक्टेड है बहुत अच्छी रैंक के साथ में, और मैं उसी की सैलरी स्लिप आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, अगर हम चर्चा करते हैं कि भाई देखिए, आपको नाम भी दिख रहा होगा, एम्प्लॉय नेम दिख रहा होगा दीपांजलि, और डेजिनेशन कॉन्स्टेबल CSS, और आपको यहाँ पे सब देख रहा होगा कि पे लेवल 3, और उसके अलावा जो भी होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बेसिक पे, आपको 21,700 है बेसिक पे, अभी 21,700 है, जब 1 साल हो जाएगी उसके बाद बेसिक पे बढ़ेगा, अभी 1 साल तक ऐसे ही रहेगा 21,700। तो साथियों, कितनी सैलरी बनती है आप सभी को पता है, बेसिक पे 21,700, DA हो गया आपका 50%। आज के समय में करंट में DA कितना है दोस्तों, ये देखिए सैलरी कब की है, 27,500, 27,500 मतलब पिछले ही महीने की जो सैलरी आई है उसकी आपको मैं सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, 27,500 2024 की। और DA 50% है करंट में, और आपको पता है कि भाई, आप सभी को पता है कि DA साल में 2 बार बढ़ता है हर 6-6 महीने में, और ये जो है 4% से 3% से 4% हर 6-6 महीने में बढ़ता है। और किस पे बढ़ता है दोस्तों, बेसिक पे पर ये DA बढ़ता है। तो आप देखिए 50% DA हो गया, 21,700 का आधा हो गया 10,850। HRA हाउस रेंट जो मिलता है आपको, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है सो दोस्तों, वो है इस समय दिल्ली में 6,610, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,400। तो कुल मिलाकर अगर सभी को ऐड कर देते हैं तो कितना मिलता है साथियों, 44,640, 44,640। लेकिन उसके बाद में कुछ दोस्तों जो कट जाता है, उस कटने के बाद क्या होता है, आपके जो कि कार्ड वगैरह होते हैं और फंड बोनस में जो कटता है PF वगैरह में, तो वो है 3,535 रुपए इस समय। और उसके अलावा इन हैंड देखिए तो कितना है दोस्तों, 40,925 रुपए इन हैंड इस समय सैलरी मिल रही है SSF की। अगर साथियों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ गए होंगे, और मैं रिकॉर्ड से दुआ करूंगा कि आप भी बहुत जल्दी अच्छे से कामयाब हो और एक सैलरी आपके खाते में भी हर हर महीने 1 तारीख फिक्स तारीख को आपके खाते में आए और अपने परिवार को अच्छे से आप चला सके। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, और गॉड की दुआ से आप हमेशा खुश रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।